खेती किसानी में तरक्की का असर दिखाई देने लगा है। गेहूं और चावल सहित कई कृषि उत्पादों के एक्सपोर्ट में भारत ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। केंद्र सरकार ने कृषि प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट से संबंधित साल भर के आंकड़े जारी किए हैं। वर्ष 2021-22 के लिए कृषि उत्पादों का निर्यात $50 बिलियन को पार कर गया है। यह कृषि उत्पादों का अब तक का सबसे अधिक निर्यात है। रूस यूक्रेन युद्ध संकट के बीच दुनिया के कई देश खाद्यान्नों के लिए भारत की ओर देख रहे हैं। विशेषज्ञ उम्मीद कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट में अभी और इजाफा होगा। केंद्र सरकार के अनुसार 2021-22 के दौरान कृषि निर्यात 19.92% बढ़कर $50.21 बिलियन हो गया है। यह वृद्धि के शानदार दर हैं। केंद्र सरकार ने बताया कि 2020-21 में $41.87 बिलियन के कृषि उत्पादों का एक्सपोर्ट किया गया था। पिछले दो वर्षों की यह उपलब्धि किसानों की आय में सुधार करने में मददगार साबित होगी। चावल का एक्सपोर्ट $9.65 बिलियन, गेहूं का $2.19 बिलियन, चीनी का $4.6 बिलियन तथा अन्य अनाज का $1.08 बिलियन का निर्यात किया गया। गेहूं निर्यात में अप्रत्याशित 273% की वृद्धि दर्ज की गई है, जहां 2020-21 में गेहूं निर्यात $568 मिलियन का था, वहीं अब यह 2021-22 में चार गुना बढ़कर $2119 मिलियन हो गया। हालांकि बासमती चावल का एक्सपोर्ट पिछले साल से कम हो गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि इन उत्पादों के निर्यात में वृद्धि से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के किसानों को काफ़ी लाभ हुआ है। भारत ने चावल के लिए विश्व बाजार में लगभग 50% हिस्से पर कब्जा कर लिया है। निर्यात के किसानों का लाभ सुनिश्चित करने के लिए वाणिज्य विभाग ने सीधे किसानों तथा FPO को निर्यात मार्केट लिंकेज प्रदान करने के विशेष प्रयास किए हैं। समुद्री उत्पादों का निर्यात अब तक का सबसे अधिक $7.71 बिलियन हुआ है। इससे तटीय राज्य पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र तथा गुजरात के किसानों को लाभ मिला है। मसालों का निर्यात लगातार दूसरे वर्ष बढ़कर $4 बिलियन का हो गया है। आपूर्ति बाधा के बावजूद कॉफी का निर्यात पहली बार $1 बिलियन को पार कर गया है, जिससे कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में कॉफी उत्पादकों को फायदा मिला है। विभाग ने कृषि निर्यात को प्रोत्साहित करने में राज्य सरकारों तथा जिला प्रशासनों को शामिल करने का विशेष प्रयास किया है। किसानों, FPO, सहकारी समितियों को निर्यातकों से बातचीत का प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए एक किसान कनेक्ट पोर्टल बनाया गया है। इन कदमों का परिणाम यह हुआ है कि अब तक अज्ञात क्षेत्रों से भी कृषि निर्यात हो रहा है। वाराणसी से ताजी सब्जियां एवं आम, अनंतपुर से केला, नागपुर से संतरा, लखनऊ से आम, थेनी से केला, सोलापुर से अनाव एवं कृष्णा तथा चित्तूर से आम जैसे क्लस्टरों से निर्यात किए गए हैं। गैर परंपरागत क्षेत्रों से निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए हैप्पी बनाना ट्रेन की पहल की गई है। रीफर कंटेनरों के साथ यह विशेष ट्रेन अनंतपुर से केला JNPT मुंबई भेजने के लिए है। केंद्र सरकार ने कहा है कि 2020 की पहली तिमाही के दौरान COVID-19 फैलने के कारण खाद्यान्नों की मांग में वृद्धि हुई है। इस वृद्धि ने कृषि निर्यात बढ़ाने के लिए अवसर प्रदान किया। राज्य तथा जिला स्तरों पर पहले से बने हुए संस्थागत ढांचों तथा महामारी से उत्पन्न बाधाओं को दूर करने के विशेष प्रयासों के कारण भारत ने स्वयं को साबित किया और खाद्य सामग्री के विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा। रूस यूक्रेन युद्ध के हाल के संकट के बावजूद विश्व गेहूँ तथा अन्य अनाजों की सप्लाई के लिए भारत की ओर रुख कर रहा है। ये रिपोर्ट मार्केट टाइम्स TV।